एम्बिशन इज द गेम ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का मतलब होता है वन हु कैन स्टैंड अप फर्मली इन ऑड सिचुएशन. एवरी वन कैन स्टैंड अप इन इवन सिचुएशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. जो भी आदमी ऑड सिचुएशन, ऑड, हम सब ऑर्डिनरी होते हैं. कुछ लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार जो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस वो आदमी बन गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. दुनिया की सारी लड़ाई तुम्हारे मन से होती है, सारी. मैं जब भी जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो इस पॉइंट को स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता हूं. अगर तुम्हारा मन ताकतवर नहीं है तो तुम एम्बिशन के काबिल नहीं हो. पढ़ते तुम कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अगर गलती से जॉब लग गई, गलती से भी, तो कर नहीं पाओगे. बिकॉज एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू डील विद ऑल द डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज लेजिस्लेचर. पर्सनैलिटी, ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपरेशन की. विजडम, अप्रोच, डायरेक्शन, पर्सनैलिटी. देखिए, ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसे मिनिमम 10 घंटा पर डे चाहिए, सॉरी मैक्सिमम, मिनिमम 6. अब 6 घंटे में क्यों कह रहा हूं, जो 3 घंटे आप क्लास में पढ़ोगे उसे आपको कंसोलिडेट करना होता है, हजम. देयर आर टू बेलीज इन ह्यूमन बॉडी, एक ये और एक ये, और ये बड़ा ऑटो सिस्टम पे काम करती है. इसे जो चीजें पसंद होती हैं वो खुद ब खुद ऑटो सेव कर लेती है, और जो पसंद नहीं है उसे सेव करने में बहुत दिक्कत होती है. तो जब आप ह्यूमैनिटीज से पहली बार टच में आते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका कंसोलिडेशन. तो अगर जॉब में आप हैं तो आपको मैक्सिमम 2 साल लगेंगे, क्योंकि जॉब के साथ 6 घंटा निकालना ही पड़ेगा. 3 घंटे की क्लास और 3 घंटा डाइजेशन, वो 6 आवर्स आपको निकालने ही निकालने हैं. मतलब मिनिमम आवर्स रिक्वायर्स पर डे 6 एंड मैक्सिमम आवर्स 10, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो कई बार लोगों ने हमसे पूछा, ये तो खैर सवाल ये है कि नौकरी करते वक्त कैसे करें. तो कई बार लड़के आते तो पूछते कितने घंटे पढ़े. मैंने कहा गर्लफ्रेंड है, बोले गर्लफ्रेंड तो नहीं है. हमने कहा तब नहीं बता पाएंगे. तो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में शिकायत कर दी कि मिस्टर रोजा वाज टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड, माय फादर हैज नॉट सेंड मी हियर टू मेक अ गर्लफ्रेंड, आई एम हियर टू स्टडी. तो मैनेजमेंट को भी लगा कि यार लड़का तो बड़ा सिंसियर है. तो मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया, बोला मिस्टर रोजा व्हाई यू से टॉक ऑल दीस थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. मैंने कहा स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, कॉम्पिटिटर्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स. फिर मैंने, लड़का खड़ा था ऐसे देख रहा था मुझे. मैंने कहा तुमने ये नहीं पूछा कि ये सवाल मैंने तुमसे क्यों किया. हमारा ऑफिस राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर के पीछे बुद्धा पार्क है, ताल कटोरा स्टेडियम. तो मैंने उसे कहा कि जाओ कभी वहां जाओ और पेयर्स जो बैठे हो तो उनको देख कर आओ. सुबह 8 बजे से बैठे रात 8 बजे तक, कोई काम नहीं, लड़की का बाल पकड़ के घुमा रहे दिन भर ऐसे ऐसे करके. वहां तो तुम नहीं पूछते कितने घंटे बैठे, क्योंकि मजा आ रहा है तुम्हें. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां भी तुम्हें मजा आता है ना, तुम वहां टाइम नहीं पूछते, और जहां नहीं आएगा वहां तुम टाइम पूछोगे, और जब टाइम पूछोगे तो तैयारी छोड़ दो, क्योंकि इस प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं है, तुम अनलिमिटेड पढ़ सकते हो. लेकिन नौकरी करने वालों के साथ यह है ना कि ठीक है, आप अगर 6 घंटे भी निकाल सकते हैं मिनिमम, उससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर होता है और क्लास होती है, उसको दोनों को कंसोलिडेट करना होता है. तो इफ यू कैन अफोर्ड 6 आवर्स पर डे तो यू कैन डू प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द जॉब.